आप देख रहे पटना न्यूज 24 लाइव। मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष ने किया अंतर्राष्ट्रीय थारू महासंघ के अध्यक्ष व क्षेत्र के गुमस्ताओं के साथ एक अहम बैठक। वही इस बैठक में थारू समाज की विकास हेतु विभिन्न विषयों पर हुई खास चर्चा। बगहा में इन दिनों एक संस्था काफी सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसकी अध्यक्ष ने अपने कंधे पर समाज कल्याण की एक बड़ी जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं मेरा स्वाभिमान संस्था की, जिसके अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाकर समाज के हर तबके की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इसी क्रम में बीते 16 जुलाई को पश्चिमी चंपारण में थरूवड़ की राजधानी कही जाने वाली हरनाटार में मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय थारू महासंघ के अध्यक्ष तथा थरूवड़ क्षेत्र के सभी गुमस्ताओं के साथ एक अहम बैठक किया और संस्था के द्वारा की जा रही मानव कल्याणकारी सामाजिक कार्यों से सभी को अवगत कराया गया। वही इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय थारू समाज के नेतृत्वकर्ता दीप नारायण प्रसाद, शारदा प्रसाद, हेमराज पटवारी, महेश्वर काजी समेत अन्य कई प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। साथ ही दिनेश अग्रवाल ने मौजूद लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया, जहां लोगों से जानकारी मिली कि इस थरूवड़ क्षेत्र में आज भी केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं पहुंची है। मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष ने थारू समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर त्रुटियां हैं, उन पर शीघ्र ही संज्ञान लिया जाएगा तथा उसे दुरुस्त भी की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो बैठक के महज महीने भर के भीतर ही मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने थारू समाज के कल्याण को लेकर पिछले 27 जुलाई को राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन दिल्ली पहुंचे थे, किंतु राष्ट्रपति के विदेश दौरा होने के कारण उन्होंने राष्ट्रपति के उच्च अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। दिनेश अग्रवाल द्वारा दिए गए ज्ञापन में प्रखंड के जनजाति क्षेत्र में कृषि संबंधित संसाधन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना तथा उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज की स्थापना जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में भी थारू समाज के उत्थान को लेकर सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह है कि थारू समाज आज भी पिछड़ेपन का शिकार बना हुआ है, जहां केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस विशेष समुदाय का प्रयोग किया जाता है और केवल कागजों में ही विकास की लंबी योजनाएं बनाकर दबा दी जाती है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि संस्था के माध्यम से इस थरूवड़ क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाई जाएगी, जिससे इस पिछड़े समाज को आगे बढ़ने की एक नई दिशा मिलेगी। देखिए, ये चंपारण का हृदय है। हरनाटार के क्षेत्र में हम लोग मेरा स्वाभिमान की टीम आई हुई है और जो मेरा स्वाभिमान का जो कर्म क्षेत्र है यह ग्रामीण क्षेत्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, साथ ही साथ उद्योगों का विकास कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए और एक अवसर प्रदान करने के लिए, सबको साथ में मिलकर चलने के लिए हम लोग अपने इस विकास योजना के साथ में हरनाटार के थारू महासंघ का जो यहाँ बैठक बुलाया गया था, जहाँ पे हमारे श्री दीप नारायण प्रसाद जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय थारू महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर शारदा प्रसाद जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं भारतीय थारू महासंघ के, हरनाटार से बिलोंग करते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री हेमराज पटवारी जी हैं जो यहाँ के चौपारण क्षेत्र के अध्यक्ष हैं थारू महासभा के, जो बकुल गांव के रहने वाले हैं। इन सबों के अथक प्रयास से यह जो बैठक है, जहाँ पे तमाम गुमस्ता अपने ग्राम के गुमस्ता हैं, जो माननीय जो सेवक हैं उनके साथ में हम लोग ये चर्चा करके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र बीमा की बात आई है जी, उसमें क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, लगातार प्रयास रहता है कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, जनजाति वैसे भी गरीब समूह से बिलोंग करते हैं, उनके जीवन के उद्धार के लिए, उनको एक सुरक्षा कवच देने के लिए, ताकि बच्चों को कभी किसी विपरीत परिस्थिति में, भगवान न करे ऐसी स्थिति आ जाए, उनको एक लाभ मिले, लगभग 3 लाख रुपए तक का एक सुरक्षा कवच दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसी अनहोनी होती है तो देश के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके वो अपना इलाज कैशलेस करा सकते हैं, चाहे वो अपोलो हो, मेदांता हो, एम्स हो, सफदरजंग हो। एक छोटा सा प्रयास है और ये गांव के लोग के माध्यम से यह योजना का शुभारंभ किया गया है।